हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में हम समझेंगे ट्रेल थ्रू का कॉन्सेप्ट। ओके, सो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ आपको पूरा का पूरा इसी लेक्चर में समझ में आने वाला है। सो इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है। ओके, एंड जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आगे बढ़ने के साथ साथ सभी स्टूडेंट से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप रेगुलरली सीखते भी रहेंगे। ओके, सो ड्रिल थ्रू किस तरीके से वर्क करता है, चलिए समझते हैं। सो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि रेगुलर स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, सबका माइंड बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा एक कॉलम चार्ट, ठीक है, एंड डेटा को देख लेते हैं। डेटा तो आप खैर जानते ही हो, सेल्स डेटा है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं, इन कंट्रीज़ को बेचे गए हैं और हर कंट्री में दो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, कंपनीज़ के दो सेगमेंट हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, मतलब एनजीओस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जीओस मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जीओ एंड एनजीओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब हर कंट्री के अंदर होता है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट खरीद लिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कोई से भी हो सकती है, बस यहाँ पर सेगमेंट दिया गया है हमको, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं दिया गया। ओके, सो ये सेल्स ऑर्डर की जो पूरा डेटा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कि एक रो को समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर उसके बाद अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें ये दिया गया है कि फ्रांस की एनजीओ की किसी कंपनी ने फैन खरीदे, कितने, इतने 871, और एक फैन को बनाने में कितना खर्चा आया था, इतना आया था, मतलब जिस भी कंपनी ने बेचे होंगे उसे तो इतना खर्चा आया एक फैन को बनाने में, लेकिन उस कंपनी ने बेचा इतने में, ठीक है, किसको, फ्रांस की एनजीओ की किसी कंपनी को, तो टोटल सेल्स मतलब कितने में बेचे गए, इतने में, कितने यूनिट्स, इतने, और इतने ही यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा लगा होगा कंपनी का, इतना, और प्रॉफिट कितना हुआ बनाने वाली कंपनी को, इतना, किस मंथ में, इस मंथ में दिसंबर, एंड किस ईयर में, इस ईयर, ठीक है। तो एक रो समझ में आ गया, मतलब पूरा डेटा समझ में आ गया। चलिए, सो अब यहाँ पर हम ले चुके थे हमारा कॉलम चार्ट। अगर ये मान लो नहीं आ रहा ना, ये मान लो नहीं आ रहा, कहाँ से लें, तो सिंपल लेफ्ट क्लिक कर दो इधर, और इस पर लेफ्ट क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ना जल्दी से हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, एंड सम ऑफ यूनिट छोड़ लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, ठीक है, और इसके ये जो थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं जल्दी से। ओके, टाइटल भी कर देते हैं 16, वैल्यूज को भी हमने कर दिया एक्सेस की 16, एंड वाई एक्सेस की वैल्यूज को भी हम 16 16 कर देते हैं, वैल्यूज एंड टाइटल दोनों ये हो गए। एंड यहाँ पर जो चार्ट का टाइटल है इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, एंड इसको कर देंगे हम 22, ठीक है, आप सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। चलिए, फॉर्मेट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर देखो ड्रिल थ्रू का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा, ये मैंने पूरे स्क्रीन पर फैला दिया अच्छे से, ताकि अच्छे से समझ में आए। अभी आप इसके ऊपर ना लेके जाओगे तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है उसने इतने जो मोबाइल हैं, ठीक है, इतने मोबाइल बेचे हैं, यूनिट्स दिखा रहा है, और इतने फैंस बेचे हैं, ये प्रोडक्ट वाइज डेटा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ड्रिल थ्रू का क्या कॉन्सेप्ट है, अब मान लो मेरे पास कोई और पेज है, मैं उस पेज पे डेटा देखना चाहता हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग, कैसे देखूँगा, पूरा समझना, कुछ भी मिस मत करना। अभी सिंपल, अभी हमने क्या करा है, एक सिंपल कॉलम चार्ट बनाया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक और पेज लूँगा, उस पर कोई चार्ट बनाऊँगा, राइट, तो मुझे उस पर ना फिर से फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर ही सिंपल रिनेम कर दूँगा,
और ये मेरे पास दूसरा पेज आ चुका है। अब बस यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, थोड़ा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो चेंज कर दूंगा वैल्यूज, ठीक है, फॉर्मेटिंग वही रहेगी। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ कंट्री ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पर, एंड प्रॉफिट ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो देखो वही साइज में दिख रहा है, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि इतने फैंस बेचे और इतने मोबाइल्स बेचे, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फ्रांस से कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है और टोटल जर्मनी से इतना प्रॉफिट हुआ है, टोटल सभी ऑर्डर्स का मिला, राइट। अब मेरे को मैं ये आपसे पूछूं, अब ये दोनों चार्ट्स आपको समझ में आ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बताओ मोबाइल का प्रॉफिट बताओ कि फ्रांस से कितना हुआ है और जर्मनी से कितना हुआ है, समझ रहे हो? मोबाइल वाला यहाँ पे है और मैं यहीं पर ही हूँ, मेरे को यहीं से जाना है वहां पे, ठीक है। तो कैसे करें, कैसे पता लगाएंगे? या फिर मैं पूछ लूं कि फैन का प्रॉफिट बताओ कि फ्रांस से कितना हुआ है जर्मनी से कितना हुआ है, कैसे करोगे? चलो तो ये दोनों चार्ट समझ में आ गए, क्वेश्चन क्या है हमारा वो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमें पेज वन से पेज टू पे आना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है ठीक है कंट्री वाइज वो तो हमारा पेज टू पर ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल पेज टू पे आओ सबसे पहले, एंड पेज टू पर आने के बाद ये जो चार्ट है ना, चार्ट के ऊपर क्लिक मत करना, चार्ट के बाहर ये जो खाली एरिया है यहाँ पे क्लिक करना और फॉर्मेट पर आना, पेज इन्फॉर्मेशन आएगा एंड यहाँ से ड्रिल थ्रू ले लेना, ठीक है। एंड ड्रिल थ्रू किसके अकॉर्डिंग करना है? प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, राइट। सो यहाँ पे ड्रिल थ्रू में हम ले लेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के जरिए हम ड्रिल कर सकते हैं इस वाले किसमें चार्ट, राइट। ये समझ में आ गया आपको? पेज नंबर टू पर हमने क्या करा है, पेज टाइप ड्रिल थ्रू कर दिया है और ड्रिल थ्रू फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के जरिए इस वाले चार्ट में हम ड्रिल थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ना कैटेगरी ले लेना ध्यान से, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट इज कैटेगरी। अब यहां पर अब देखो राइट क्लिक करोगे ना तो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, यहां से फॉर्मेट हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने तो मैंने मोबाइल बेचे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मोबाइल का मेरा फ्रांस का और जर्मनी का प्रॉफिट कितना था, राइट। तो अभी देखो वैल्यूज कौन सी आ रही है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है, एंड इसको मैं लगाता हूं, एक पीपीटी लेता हूं जल्दी से एंड इसमें लगा देता हूं, ठीक है। अभी ये ऐसा दिख रहा है ओरिजिनल सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, ओके। अब अगर मैं वैल्यूज दिख रही है क्या हमको, वैल्यूज इस वाले में वैल्यूज नहीं दिख रही ना, सो एक काम करते हैं अब लेते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि थोड़ा वैल्यू भी हमारे पास दिख जाए। या स्क्रीनशॉट में आ गया, हाँ ठीक है आ गया, ताकि वैल्यू के साथ भी अभी हम कंपेयर करके देखेंगे ना कि क्या डिफरेंस आ रहा है जब हम ड्रिल कर रहे हैं, राइट। सो फ्रांस से मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, इतना आ रहा है टोटल, ये अमाउंट है, इतना प्रॉफिट है फ्रांस से सारे ऑर्डर्स का मिला के। लेकिन मैंने क्या बोला, पेज वन पर जो चार्ट है मैं मोबाइल का प्रॉफिट देखना चाहता हूँ फ्रांस का और जर्मनी का, या फिर फैन का प्रॉफिट देखना चाहता हूँ फ्रांस का और जर्मनी का। तो आपने क्या करा, सिंपल पेज नंबर टू पर आए, मतलब जहाँ पर ड्रिल करना है, ड्रिल थ्रू करना है आपको, ठीक है, वहीं पर ही हमने यहाँ पे पेज इन्फॉर्मेशन में आके ड्रिल थ्रू कॉलम ऐड कर दिया एंड कैटेगरी ले लिया यहाँ पर पास। अब हमको क्या करना है, राइट क्लिक करो मोबाइल पे, राइट क्लिक करा मोबाइल वाले जो डेटा है इस पर, पेज टू पे आ रहा। अब देखो
ये मेरे को किसका डेटा दिखा रहा है, मोबाइल का डेटा दिखा रहा है। क्लियर? ठीक है, कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, ठीक है। मोबाइल का जर्मनी से इतना प्रॉफिट है और फ्रांस से इतना प्रॉफिट है, ठीक है। वापस पेज वन पे आते हैं, फैन का देखते हैं, ड्रिल थ्रू पेज टू। अब इसका फ्रांस का देखो, ठीक है, मतलब फैन का प्रॉफिट फ्रांस से और जर्मनी से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब एक्सेल में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई हमारी ड्रिल थ्रू सही हो रही है कि नहीं, तो ये क्रॉस चेक ना कभी कभी कर लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो पावर बीआई बिल्कुल सही दिखाता है। ओके, सो अब आते हैं हम हमारे जो डेटा है ना इस पर। ठीक है, ये वाला डेटा है। एंड क्या देखना चाह रहा था मैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कंट्री वाइज प्रॉफिट, राइट? कंट्री वाइज प्रॉफिट तो फ्रांस का कितना है, इतना आ रहा है ना। तो सिंपल फ्रांस ले लेंगे और ये टोटल प्रॉफिट है ना, इन वैल्यूज को लेंगे यहाँ पर एज ए वैल्यू लगा देंगे एंड इधर सम कर देंगे। कई सारे प्रोसीजर हैं लेकिन मैं बहुत ही इजी प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने एक्सेल नहीं सीखा है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो 2317 4042 सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, फ्रांस का दोनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने ड्रिल थ्रू करा मोबाइल का, ठीक है, तो जर्मनी का इतना प्रॉफिट था, राइट? और यहां से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, एंड इसको करते हैं सम 1558862 3, ठीक है, जो कि ओरिजिनल है दिख रहा है। और जब हमने फैन का देखा, फ्रांस का प्रॉफिट इतना है, फैन ले लिया एंड यहां से सिर्फ हम लेंगे फ्रांस एंड यहां से ले लिया फ्रांस, यहां से ले लिया हमने फैन, प्रॉफिट ही आ रहा है ये रहा। ठीक है, जो कि हमें पावर बीआई में दिख रहा है, राइट? तो एक्सेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल हमने पावर बीआई में कितना लेंदी काम कितने छोटे से समय में कर लिया, इसलिए मैंने एक्सेल में मैंने आपको ये करके दिखाया था, ठीक है। सो ये है पावर बीआई का पावर एंड ड्रिल थ्रू कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस कॉलम के जरिए आपको ड्रिल थ्रू करना है, ठीक है, सिंपल, और जिस चार्ट के अंदर करना है उस पेज पर आके, ठीक है, लगा दो आप, ठीक है, पूरा बता ही चुका हूं। अब मान लो यहां पे एक और चार्ट होता, ठीक है, पेज टू पर एक और होता, मान लो ये होता पाई चार्ट, ठीक है, और लेकिन इसमें कुछ और वैल्यूज डाल देते हैं, मंथ नेम डाल देते हैं, मंथ नेम डालें, देखो कंट्री सम ऑफ प्रॉफिट हो गया एंड प्रोडक्ट सम ऑफ यूनिट्स हो गया, एंड ये वाला जो पेज है वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ किससे, प्रोडक्ट से। तो इसका डेटा हम कुछ चेंज करते हैं एंड कंट्री, हाँ, सम ऑफ यूनिट्स कर देते, ठीक है।
सो ये देखो ये क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मतलब किस कंट्री को कितनी यूनिट्स मैंने सेल करी, किस कंट्री को कितनी यूनिट सेल करी, राइट। ड्रिल थ्रू करते हैं, ड्रिल थ्रू पेस्ट, तो देखो ये पूरा चेंज हो गया, देख रहे हो ये पूरा किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है मेरे को, मोबाइल के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही ये किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है मेरे को, ये फैन के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, राइट। कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां से ड्रिल थ्रू करा तो अब क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, लेकिन किसका प्रॉफिट, फैन का, कौन सा प्रोडक्ट है, फैन, और ऐसे ही फैन। सो इतने यूनिट्स फैन के मैंने फ्रांस को बेचे हैं और इतने यूनिट्स जर्मनी को, राइट।